ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग विद रिलीजन इन इंडिया टुडे. ठीक है, सो शुरू करते हैं. सो स्टार्टिंग विद बुद्धिज्म. तो बुद्धिज्म वाज स्टार्टेड बाय गौतम बुद्ध ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC. ठीक है, ही वाज बोर्न इन लुम्बिनी. और जो उनका बर्थ डेट है 563 BC है. ठीक है, लुम्बिनी मॉडर्न डे जो नेपाल है वहां पे पड़ता है. ठीक है, सो इनिशियली ही इंजॉयड अ हाउस होल्ड लाइफ. ठीक है, लेकिन एट द एज ऑफ 29 सम इंसिडेंसेस हैपेंड, जिसके बाद मतलब उन्होंने बहुत सारे मिजरीज वगैरह देखी थी. ठीक है, तो उससे वो थोड़े से डिप्रेस्ड हो गए एंड ही अबैंडन्ड द वर्ल्डली प्रेजर. ठीक है, एंड उसके बाद एक एसेटिक या एक संत का जो वो होता है ना लाइफ उन्होंने अपना लिया था. ठीक है, एंड ही केप्ट वेंडरिंग अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 5 ईयर्स. ठीक है, एंड उसके बाद अराउंड 35 ईयर्स ऑफ एज उनको निर्वाणा या जो सेल्वेशन है वो अचीव हुआ था. तो ये कोई प्लेस बता सकते हैं कहाँ अचीव हुआ था? वेयर डिड ही अचीव सेल्वेशन? गया राइट, तो बोध गया विच इज इन बिहार, वहां पे सेल्वेशन अचीव किया था. ठीक है, तो वहीं पे बोधी ट्री भी था. ठीक है, जिसके नीचे उन्होंने बैठ के ये एनलाइटमेंट अचीव किया था. तो प्रॉब्ली अभी भी है, लेकिन कहते हैं कि वो बार बार अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग लोगों ने उस ट्री को वापस लगाया था वहां पे. ठीक है, तो वो कुछ स्टोरी है उसके बारे में. एंड उसके बाद ही गोज ऑन टू प्रीच वॉट एवर ही अंडरस्टूड. ठीक है, सो जो पहला सरमन वो देते हैं वो सारनाथ में देते हैं. ठीक है, सो सारनाथ में वो जब ये सरमन देते हैं तो इस पूरे एक्ट को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ रिलीजन. ठीक है, कि वर्ल्ड इज चेंजिंग फॉर गुड बिकॉज ऑफ द सरमन ऑफ बुद्धा. तो ये आइडिया था बेसिकली उसके पीछे. ठीक है, सो ही गेव टू डॉक्ट्रिन्स. फर्स्ट वॉज नोबल, फोर नोबल ट्रुथ, एंड नेक्स्ट वॉज एट फोल्ड पाथ. ठीक है, सो ये दोनों एक लाइफस्टाइल की तरह थे जिसको उन्होंने प्रीच किया था. ठीक है, तो इस सेंस में हम लोग याद रख सकते हैं. तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या था ये. हाँ, तो जहां पे उन्होंने बेसिकली ये सरमन दिया था वो डियर पार्क है सारनाथ में, विच इज नियर वाराणसी. एक्ट हमने देख लिया, धर्म चक्र परिवर्तना बोलते हैं इसको. इसके अलावा तीन ज्वेल्स भी दिए गए थे जिसको एम्ब्रेस करना होता है बुद्धिज्म में. तो वन वॉज बुद्धा मीनिंग द एनलाइटनमेंट, देन धम्मा द टीचिंग ऑफ बुद्धा, एंड संगा द मोनिस्टिक ऑर्डर. ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जो त्रि रत्ना जो है अगर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करता है तो फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. तो हम फोर नोबल ट्रुथ की बात कर रहे थे. ठीक है, तो नोबल ट्रुथ अगर ये हम लोग जान लेंगे तो हमारी ऐसा जो सफरिंग है या जो पेन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सकता है. तो फर्स्ट वॉज द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, कि अगर आप वर्ल्ड के अंदर आए हो तो यू हैव टू सफर. ठीक है, तो दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ. नेक्स्ट द ट्रुथ ऑफ और सफरिंग, दैट इज समुदया. ठीक है, कि सफरिंग कहाँ से होने वाली है. ठीक है, तो उसके बारे में बताता है. नेक्स्ट द ट्रुथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, निरोधा. ठीक है, एंड फोर्थ इज द ट्रुथ ऑफ पाथ टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, मागा. ठीक है, तो आप कैसे अपनी जो सफरिंग है उसको रिड्यूस कर सकते हो, उसके लिए यू हैव टू टेक अ पाथ विच इज सेपरेट फ्रॉम वर्ल्डली बिलोंगिंग्स. ठीक है, सो उस सेंस में वी हैव टू रिमेम्बर दैट. ऑलराइट, तो ये थे फोर नोबल ट्रुथ्स. फिर एट फोल्ड पाथ एक बार देख लेते हैं. सो एट फोल्ड पाथ में फर्स्ट था काइंड एंड ट्रुथफुल राइट स्पीच, नेक्स्ट ऑनेस्ट पीसफुल राइट एक्शन, थर्ड टू फाइंड राइट लाइवलीहुड विच डज नॉट हार्म एनी बींग, फोर्थ राइट एफर्ट एंड सेल्फ कल्टिवेटिंग सेल्फ कंट्रोल, फिफ्थ राइट माइंडफुलनेस, सिक्स राइट मेडिटेशन एंड कंसेंट्रेटिंग ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ, सेवन द वर्थ ऑफ सिंसियर एंड इंटेलिजेंट मैन थ्रू राइट थॉट्स, एंड एट वन शुड अवॉइड सुपरस्टिशन एंड कल्टिवेट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सो ये एक फिलोसफी थी एट फोल्ड पाथ की, जिसको अगर फॉलो करेंगे तो जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो नहीं अच्छी मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, एंड अल्टीमेटली सच पर्सन कैन इजिली अचीव मोक्ष. ठीक है, जो कि अल्टीमेट गोल होता है लाइफ का. ठीक है, सो उसको अचीव कर सकता है. सो बुद्धिज्म के बारे में एक चीज ये है कि इसमें कोई एक्सट्रीमिटी नहीं थी, मतलब कहीं पे भी कोई ऐसा एक्सट्रीम कोई पाथ नहीं था. ठीक है, यहाँ पे बुद्धा का एक आइडिया ये था कि हम मिडिल पाथ अचीव करें,
ऐसा भी नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा ही रिग्रेस रिलीजन फॉलो कर रहे हैं और वर्ल्ड से कांटेक्ट ही नहीं रख रहे, उनका ऐसा नहीं था। उनका मानना था कि मध्य मार्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ये एट फोल्ड पाथ को अगर फॉलो करेंगे तो उससे लिबरेशन मिलेगा। इसके अलावा बुद्धिज्म रिजेक्टेड द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, सो क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड इट ऑल्सो रिजेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, जो कि जैनिज्म में बात होती है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म में मेजर डिफरेंस यही है कि यहाँ पर बात होती है सोल की, ठीक है, जैनिज्म के अंदर। और यहाँ पर जैनिज्म में हर चीज के अंदर, इवन एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें मानते हैं उसके अंदर भी सोल होती है बुद्धिज्म में, ठीक है। बट ऐसा बुद्धिज्म सॉरी जैनिज्म के अंदर ऐसा मानते हैं कि सोल होती है हर चीज में, बट बुद्धिज्म में सोल का कोई आइडिया नहीं है। सो उस सेंस में दिस इज सेपरेट, ठीक है। उसी टाइम में एक और रिलीजियन था विच बिलीव्ड इन सोल. कौन सा रिलीजियन था? जस्ट लाइक जैनिज्म. कौन सा आजीविका था क्या? आजीविकास. तो आजीविका मीनिंग फेटलिज्म, ठीक है, जो मानना था कि अल्टीमेट जो डेस्टिनी है सबकी फिक्स है, ठीक है, ये आइडिया था उसमें। ऑलराइट, ठीक है। तो कितने कुछ कह रहे हो क्या? बीएस, आपका माइक ऑन है. बेस, कैन यू प्लीज, अगर आप बोल नहीं रहे हो तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। बेस, थैंक्स। ऑलराइट, तो ये था इसके बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं। सो एक साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ होता है जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं ससारा, ठीक है, याद रखना। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को इस वर्ड से मतलब एंशियंट हिस्ट्री के अंदर ये वर्ड यूज किया जाता था साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ के लिए, ठीक है। सो बुद्धा ने एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया था ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, जो कि बाद में उनके जो फॉलोअर्स थे वो उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे थे, ठीक है। सो जो उनका जो डेथ है उसको, उस इवेंट को बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाणा बोलते हैं, ठीक है। एंड ही डाइड इन 483 इन कुशीनगरा, तो यूपी के अंदर है। एंड आफ्टर हिज डेथ अ सीरीज ऑफ काउंसिल फॉलोड, जिसके थ्रू पूरा का पूरा जो बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो शेप हुआ था, ठीक है। सो द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हैपेंड एट अ प्लेस कॉल्ड राजगृह, ठीक है, इन 1483, विच वॉज प्रिसाइडेड बाय द बुद्धिस्ट स्कॉलर महाकश्यपा, ठीक है। तो महाकश्यपा उसको प्रिसाइड कर रहे थे। एंड हर जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको किसी ना किसी ने पेट्रोनाइज किया था। सो इट वॉज पेट्रोनाइज बाई किंग अजात शत्रु, ठीक है। तो ये याद रखने हैं कि काउंसिल कहाँ हुई थी, प्लेस क्या था, कौन था उसके अंदर प्रेसिडेंट या कौन स्कॉलर उसको हेड कर रहा था, एंड देन हु पेट्रोनाइज्ड, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट टू इम्पोर्टेंट बुक्स वर कंपाइल्ड इन द काउंसिल, फर्स्ट वॉज सूत पीठ का एंड नेक्स्ट वॉज विनायक पीठ का, ठीक है। तो ये याद रखना, इस जो काउंसिल था, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था, उसका आउटकम था सूत पीठ का और विनायक पीठ का। तो सूत पीठिका में क्या था, द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है, जो सरमन्स दिए गए थे बाय गौतम बुद्धा, दे वर कंपाइल्ड इन दिस बुक। नेक्स्ट विनया पीठिका, सो कंटेन्स द रूल टू बी फॉलोड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स मतलब एक तो ले फॉलोअर हो गया और एक रिलीजियसली जो फॉलो कर रहा, तो जो मॉन्क्स होंगे उनके लिए कुछ रूल्स है। तो दैट इज विनया पीठिका। विनय, आई गेस विनय का मतलब ही शायद नेचर ही होता है, ठीक है। तो वो कैसा नेचर होना चाहिए बुद्धिस्ट मॉन्क का, वो इसमें डिस्क्राइब था। देन आफ्टर दैट द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेन्ड इन 383 BC एट वैशाली बिहार। सो इट वॉज प्रिसाइडेड बाई बुद्धिस्ट स्कॉलर सभा कामी एंड पेट्रोनाइज बाई कंटेम्प्रेरी किंग काल अशोका, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल बिहार वैशाली बिहार में हुई थी और उसके अंदर जो स्कॉलर थे वो सभा कामी थे, पेट्रोनाइज बाई कंटेम्प्रेरी किंग काल अशोका, ठीक है। एंड यहाँ पर एक जो बुद्धिज्म एज ए रिलीजन था उसमें ब्रॉडली एक इनफॉर्मल डिवीजन आया और दो सेक्स में वो बट गया, ठीक है। पहला था थेरावादिन या थेरावादिन भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेलिंग कहीं पे अलग दी होती है तो कंफ्यूज मत होना। टॉकिंग अबाउट थेरावादिन, तो दे वर ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ये
वो चाहते थे कि ज्यादा लिबरल ना हो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए. एंड उसमें स्थाविरा ज्यादा मीन्स इमोबाइल, दे या डिड नॉट वॉन्ट, हाँ स्थाविरा मीन्स इमोबाइल, दे डिड नॉट वॉन्ट टू मूव फ्रॉम द ओरिजिनल टीचिंग्स, करेक्ट. तो ऑर्थोडॉक्स थे। करेक्ट. नेक्स्ट महासंघिकास, तो देवर लिबरल फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिस्ट फेस्ट. ठीक है, तो सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके अंदर ये एक ब्रॉडली इनफॉर्मल डिवीजन हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है इन अराउंड 250 BC एट पाटलिपुत्र बिहार. इट वॉज प्रेसाइडेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क मोगालीपुत्ता तिस्सा एंड इट वॉज पेट्रोनाइज बाय अशोका. ठीक है, सो इन दिस काउंसिल न्यू टेक्स्ट वॉज रिटन एंड ये टेक्स्ट का नाम क्या था, अभिधम्मा पीठ का. ठीक है, सो अभिधम्मा पीठ का में एक फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन था बुद्धा की टीचिंग का. ठीक है, सो ज्यादातर ये जो फिलोसफी थी इसके बहन उसके बारे में बात कर रहा था. जैसे सूदपीठिका में तो ओरिजिनल जो सरमन्स थे वो थे, लेकिन यहाँ पे उन सरमन्स के पीछे क्या फिलोसफी थी उससे डील कर रहा था. ठीक है, सो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी जो कि अशोका के अंडर हुई थी, उससे ये रिजल्ट निकल के आता है. ठीक है, सो अल्टीमेटली जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके बाद त्रिपिटक बनते हैं, मतलब थ्री बुक्स, थ्री होली बुक्स ऑफ बुद्धिज्म. तो फर्स्ट वॉज अभिधम्मा, सॉरी फर्स्ट वॉज सुत्ता, देन पिटक विनय पिटका एंड थर्ड वॉज अभिधम्मा पिटका. ठीक है, तो ये तीन सेक्रेट टेक्स्ट बन चुके थे ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, बाय द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. तो ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट बात करें तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है. तो यहाँ पे ये गलत लिखा होता, टाइम पीरियड इसका ये नहीं है, टाइम पीरियड इसका 72 AD है. ठीक है, 72 AD इन कश्मीर बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क वासुगुप्ता. ठीक है, एंड पेट्रोनाइज किसने किया था, तो कनिष्का ने इसको पेट्रोनाइज किया था. एंड यहाँ पर एक फॉर्मल स्प्लिट हो जाता है बुद्धिज्म फेथ के अंदर, तो दो सेक्ट्स बन जाते हैं, हिनयाना मीनिंग ऑर्थोडॉक्स इन नेचर या लिटिल कार्ट बोल सकते हैं, एंड महायाना तो बिगर कार्ट. तो महायाना जो था वो लिबरल था थोड़ा नेचर में और हिनयाना ऑर्थोडॉक्स था नेचर में. बाद में जब ये सेपरेशन हो गया तो फिर हिनयाना जो है मोस्टली पॉपुलर हुआ साउथ ईस्ट एशिया में, एंड महायान जो था वो सेंट्रल एशिया में थ्रू अफगानिस्तान एंड चाइना उसके थ्रू सेंट्रल एशिया में पॉपुलर हो गया. ठीक है, बाद में फिर इसमें एक और नया सेक्ट आ गया था वज्रयाना. ठीक है, तो वो देखेंगे अभी. सो ये देख किसका लेना, मतलब चार बुद्ध. कहाँ पे हुआ था? ये आई गेस बंगाल वगैरह में पॉपुलर था ना वज्रयाना. फोर्थ काउंसिल आई थिंक कश्मीर में हुआ था, बट आई विल चेक इन। वज्रयाना शायद वो लेटर पीरियड में हुआ था. फोर्थ के अंदर तो यही दो हुए थे, हिनयाना और महायान. ठीक है, फॉर्मली सेपरेट हो गए थे. ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये? कुंदलवना श्रीनगर कश्मीर। राइट. तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में है, एक बार रिवाइज करने के लिए देख लो. तो फर्स्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी अजात शत्रु के अंडर, प्रेसिडेंसी थी महाकश्यपा के अंदर, एंड यहाँ पे जो कैनोनिकल टेक्स्ट है दैट इज सूत पीटक और विनय पीटक यहाँ पे वो बनाए गए थे. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड जो काउंसिल हुई थी वो वैशाली में हुई थी, एंड वैशाली अगेन इन बिहार, और पेट्रोनेज मिला था काल अशोका का, प्रेसिडेंसी थी साबा कामी की, एंड यहाँ पे एक ब्रॉड इनफॉर्मल डिवीजन हुआ था थेरावादिन्स और महासंघिकास के बीच में. तो थेरावादिन मतलब स्थिर यानी इमोबाइल, तो वो ऑर्थोडॉक्स थे और जो महासंघिकास थे वो थोड़े लिबरल थे. तो ये इनफॉर्मल डिवीजन था, कोई फॉर्मल डिवीजन नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो हुई थी वो अशोका के अंडर हुई थी एंड यहाँ पे प्रेसिडेंसी थी मोगालीपुत्ता तीसा की, एंड इसमें अभिधम्मा जो पीटक है वो एस्टेब्लिश हुआ था. नेक्स्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 72 AD में हुई थी कनिष्का के अंडर, यहाँ पे हेड करे थे वासुमित्रा, और यहाँ पे फॉर्मल डिवीजन हो गया था महायाना और हिनयाना में. ठीक है, सो आई गेस कुछ और देख लेते हैं पॉइंट्स इसमें. हाँ, तो ये डिफरेंस देख लो ब्रॉडली डिफरेंस क्या है, क्योंकि इनमें भी कई बार सवाल आ जाता है. तो हिनयाना मीनिंग लेसर व्हीकल, यहाँ पे जो बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो उनकी ओरिजिनल प्रीचिंग्स को ही फॉलो कर रहे थे, इसलिए ऑर्थोडॉक्स था, एंड दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप.
तो एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस था बिटवीन हिनयाना एंड महायाना कि हिनयाना में आइडल वर्शिप नहीं थी, ठीक है, एंड यहाँ पे जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता था बुद्धिज्म रिलीजन का वो है सेल्वेशन अचीव करना। तो हिनयाना में इंडिविजुअल सेल्वेशन था विच अ ह्यूमन बींग कैन ओनली अचीव थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, ठीक है। सो अल्टीमेट एम हिनयाना का निर्वाणा ही अचीव करना था, ठीक है। फिर फर्दर वन ऑफ द सबसेक्ट्स ऑफ हिनयाना इज स्थिरावादा और थेरावादा, ठीक है। तो बाद में ये भी डिस्टिंक्शन हो गए थे, तो कई बार यूपीएससी ये स्टेटमेंट पूछ लेता है कि ये स्थिरावाद किससे रिलेटेड है, तो स्थिरावादा या थेरावादा जो है वो हिनयाना से रिलेटेड है। एंड हिनयाना के स्कॉलर्स मोस्टली पाली लैंग्वेज यूज कर रहे थे, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है सूत पीठक, विनया पीठक, अभिधम्मा पीठक, वो सब पाली टेक्स्ट में लिखे गए थे, ठीक है। सो उसी टेक्स्ट को फॉलो कर रहे थे क्योंकि वो लैंग्वेज थी मासिस की, ठीक है। उस टाइम जो इलीट क्लास थी वो संस्कृत यूज कर रही थी, लेकिन क्योंकि ये एक काउंटर रिलीजन के तौर पे उभर के आया था टू द प्रेवलेंट रिलीजन्स एट दैट टाइम विच वॉज मोस्टली वैदिक, तो उसके अगेंस्ट एक काउंटर निकल के आया था और कॉमन मासेस को अपील कर रहा था, तो पाली लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल हो रही थी, ठीक है। सो एम्परर अशोका पेट्रनाइज हिनयाना एज महायाना स्कूल केम टू बींग इन मच लेटर, ठीक है। सो ये याद रखना। नेक्स्ट, महायाना मीन्स द ग्रेटर व्हीकल, तो ये लिबरल था, एंड यहाँ पे बुद्धा को एक डाइटिफिकेशन कर दिया गया। डाइटिफिकेशन मतलब बुद्धा बिकेम द गॉड, ठीक है, एंड उनका फिर मूर्ति पूजन चालू हो गया, ठीक है, आइडल वर्शिप। एंड इसमें कॉन्सेप्ट भी उभर के आया बोधिसत्वास का, ठीक है। तो यहाँ पर बोधिसत्वा का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये चीज बोला जाता था कि बोधिसत्वा वुड हेल्प अदर्स टू अचीव सेल्वेशन, मतलब इंडिविजुअल सेल्वेशन पे फोकस से ज्यादा यहाँ पे फोकस था कि किसी और के थ्रू हमें सेल्वेशन प्रोवाइडेड होगा, ठीक है, और ऐसा इंसान जो कि या ऐसा पर्सन जो कि ये प्रोवाइड करेगा उसको बोधिसत्वा बोलते थे, ठीक है। सो वो बोधिसत्वा मतलब वो अपना सेल्वेशन डिले कर रहा है ताकि औरों को हेल्प हो सके, ठीक है। सो इनसे इस सेंस में बोधिसत्वा का भी कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट था, राइट। सो अ बोधिसत्वा सीक्स एनलाइटमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल बींग्स। अ बोधिसत्वा हु अकम्प्लिश द गोल इज कॉल्ड सम्यक सम्बुद्धा, समक्ष बुद्धा, ठीक है। तो याद रखना कि जो एनलाइटमेंट अचीव कर लेगा फिर उसको समक्षम बुद्धा बोलते हैं, ठीक है। एंड इसमें सिक्स पाथ ऑफ परफेक्शन है, तो ये पारामिताज जो है ये यूपीएससी ने पूछा था, आई गेस शायद 2020 में पूछा था या मे बी 2021 में पूछा था, पारामिताज पूछ लिया था, ठीक है। तो अगर ये पढ़ रखा होता नितिन सिंघानिया वाला ये, तो डेफिनेटली आंसर हो जाता। तो पारामिताज का मतलब परफेक्शन होता है, और परफेक्शन में सिक्स ये क्वालिटीज हैं जो फॉलो करनी चाहिए। तो दाना है मीनिंग जेनरोसिटी या दान देना, सिला मीनिंग वर्च्यू प्रॉपर कंडक्ट, नेक्स्ट शांति पेशेंट टॉलरेंस, वीर्य मीनिंग एनर्जी, ध्यान यानी कंसेंट्रेशन, प्रजना मीन्स विजडम एंड इनसाइट, ठीक है। सो ये सिक्स पैरामीटर्स थे जो कि फॉलो करने थे महा ये सॉरी महायाना बुद्धिज्म में, ठीक है। तो ये था। सो लेटर ये महायाना बुद्धिज्म के अंदर ही एक और सेक्ट निकल के आया विच वॉज वज्रयाना, मतलब यहाँ पे डाइटिफिकेशन तो पहले से ही फॉलो हो रहा था लेकिन उसमें थोड़ा सा और डाइटिफिकेशन हो गया, सुपर पावर्स का इन्फ्लुएंस होने लग गया, ठीक है। सो वो इसलिए वज्रयाना एक सेपरेट स्कूल बन के आया। बट महायाना के बारे में वापस बात करते हैं, तो महायाना जो था प्रीडोमिनेटली संस्कृत यूज कर रहा था, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस था कि हमने देखा कि जो हिनयाना था वहां पे पाली लैंग्वेज यूज कर रहे थे जो कि जो कॉमन मासेस की लैंग्वेज थी, बट यहाँ पे इलीट लोगों की लैंग्वेज इस्तेमाल करी जा रही थी संस्कृत, ठीक है। सो एम्परर कनिष्क ऑफ द कुशाना डायनेस्टी इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वहीं से महायाना निकल के आता है, ठीक है। तो प्रेजेंटली जो वर्ल्ड है वो इज डोमिनेटेड बाय द महायाना सेक्ट, ठीक है, तो वो चीज याद रख लेना। एंड देन ये बोधिसत्वास हैं महायाना के अंदर, तो उनके नाम लिखे हुए हैं तो देख लेना। अवलोकितेश्वरा है, ठीक है, एग्जैक्टली डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये आप एक बार नितिन सिंघानिया देख लेना, अभी रिविजन ही कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा ऊपर ऊपर से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो ही इज डिस्क्राइब्ड एज होल्डिंग फ्लावर एंड इज ऑल्सो नोन एज पद्मपाणि, तो इनकी जो पेंटिंग है अजंता केव के अंदर है, तो ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है
कि अजंता केव में ऐसा करके किसका पेंटिंग है, ऐसा करके कुछ स्टेटमेंट था, तो यूपीएससी ने ये चीज प्रीलिम्स में पूछा हुआ, तो इसको जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट वज्रपानी, ठीक है, सो ही इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन अजंता केव्स, ठीक है। नेक्स्ट मंजूश्री, वन ऑफ द थ्री प्रोटेक्टिव डाइटीज अराउंड बुद्धा एंड इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन अजंता केव्स, ठीक है। तो मंजूश्री है, ठीक है। ही इज एसोसिएटेड विद द विजडम ऑफ बुद्धा एंड इज अ मेल बोधिसत्वा वेल्डिंग द स्वॉर्ड इन हिज हैंड। तो कभी कभी नाम से कंफ्यूज हो सकते हैं कि मंजूश्री नाम सुन के ऐसा लगेगा कि शायद वुमेन होंगे, नहीं, बट ये मेल ही है और मेल बोधिसत्वा है, ठीक है। नेक्स्ट समंतरा भद्रा, तो ये जो बुद्धा मंजूश्री का जो ट्रिनिटी है उसके अंदर समंता भद्रा भी है, अगेन इनका भी पेंटिंग जो है वो उसमें है अजंता के अंदर। नेक्स्ट क्षिति गर्भा, देन नेक्स्ट मैत्राया फ्यूचर बुद्धा, ठीक है, ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया, फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं इनको। नेक्स्ट अक्षा गर्भा, फिर तारा है, तो तारा इज एसोसिएटेड विद वज्रयाना बुद्धिज्म, तो ये चीज याद रखना, वज्रयाना बुद्धिज्म से रिलेटेड है, नॉट विद महायाना और हीनयाना, ठीक है। नेक्स्ट वसुधरा, सो नेक्स्ट कंदा एंड नेक्स्ट इज सीता, सीताता पत्रा, ठीक है। शी इज कंटेम्पलेटेड एज प्रोटेक्टर अगेंस्ट सुपर नेचुरल डेंजर एंड इज वर्शिप्ड इन महायाना एंड वज्रयाना ट्रेडिशन, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में डिटेल देखिए, विच आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस उनका नाम देख लिया ताकि इन केस सिर्फ वर्ड ही आ जाए कि हाँ ये किस चीज से रिलेटेड है, तो एटलीस्ट नॉलेज हो कि हाँ ये हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था, ठीक है। सो ये था। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो हमने देखा था महायाना के अंदर भी फिर फर्दर डिस्टिंक्शन हो गया था, थेरावादा बुद्धिज्म और फिर वज्रयाना बुद्धिज्म, ठीक है। सो थेरावादा इज कॉल्ड एज द एल्डर मॉन्क स्कूल एंड द स्कूल्स ऑफ बुद्धास टीचिंग प्रिजर्व्ड इन पाली कैनन, ठीक है। तो ये पाली में ही स्टोर्ड है इनका पूरा जो भी बुद्धा की टीचिंग थे वो। एंड इन थेरावादा द अल्टीमेट गोल इज सेसेशन ऑफ कलेशा, कलेशा मतलब जो सफरिंग है लाइफ की वो एंड होने चाहिए, और अटेनमेंट, अगर ये कलेश वगैरह सब एंड हो जाता है तो फिर अपने आप अटेनमेंट हो जाएगा निर्वाणा का, और वो कैसे होगा, बाय फॉलोइंग द एट नोबल, द नोबल एट फोल्ड पाथ, जो हमने देखा था कि कंसेंट्रेशन सही रखनी है, राइट प्रोफेशन होना चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो सब जो नोबल एट फोल्ड पाथ था उसको फॉलो करके इससे जो साइकिल ऑफ सफरिंग और रीबर्थ थे, जिसके लिए वर्ड यूज किया गया था ससारा, ठीक है, उसमें से बाहर आ सकते हैं। सो ये चीज था। अकॉर्डिंग टू थेरावादा ट्रेडिशन, समता एंड विपासना फॉर्म एन इंटीग्रेटल इंटीग्रल पार्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ डिस्क्राइब बाय बुद्धा। समानता डील्स विद द कामिंग ऑफ माइंड एंड विपासना मीनिंग इनसाइट इनटू थ्री मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस, इम्परमियंस, सफरिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ नॉन सेल्फ, ठीक है। तो ये दो इंटीग्रल पार्ट थे, समता और विपासना, ठीक है। नेक्स्ट थेरावादा बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ विभाजदा, ठीक है, विच मीन्स टीचिंग ऑफ एनालिसिस। तो कोई भी चीज आपको ये फाइंड आउट करनी है कि वो एक्चुअली में ट्रू नॉलेज है कि नहीं है, तो आप उसको एनालाइज करो, ठीक है, जो कि हम समाख्या ट्रेडिशन में भी यही चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट विशुद्धि मगा, तो ये पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन है जिसको थेरावादा बुद्धिस्ट जो स्कूल है वो प्रीच करता है, ठीक है। इट वॉज रिटन बाय बुद्धा घोषा इन द 5th सेंचुरी इन श्रीलंका, ठीक है। सो ये था इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो वज्रयाना बुद्धिज्म ऑल्सो नोन एज तांत्रिक बुद्धिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो तांत्रिक स्कूल था हिंदुइज्म का, उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। एंड इसमें जो मेन डाइटी थी वो तारा थी, तो अभी हमने देखा था तारा जो थी वो ऊपर पढ़ाई था हमने। सो जो हिंदू जो रिलीजन था उसमें जो तांत्रिक जो ट्रेडिशन है जो कि शिवाइज्म में फॉलो होता है, तो वहीं से इसके अंदर इंस्पिरेशन आए, और इसमें बुद्धा को फिर पावर दे दी गई, उनको लाइटनिंग वगैरह का पावर दे दिया गया, जिससे वो डिस्ट्रॉयर भी बन गए और क्रिएटर भी बन गए, ठीक है। लास्टली ये देख लो कौन कौन सी प्लेस विजिट करी थी बुद्धा ने, ये पूछ सकते हैं। सो द प्लेसेस विजिटेड अंडर दीज टू किंगडम, मतलब मोस्टली कौशाल और मगधा के जो किंगडम थे तब के, उसी के अंडर वो घूमे थे। तो इम्पोर्टेंट प्लेस थी कपिलावस्तु, जो कि उनका एक्चुअली जो फादर का जो आई थिंक रेजिडेंस था, जहां से वो रूल कर रहे थे वो था। फिर राजगृहा वैशाली, गया बोध गया, सारनाथ, कौशाम्बी, सारावस्ती जो कि कैपिटल थी उस टाइम कौशाला किंगडम की, कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वाराणसी, साकेत एंड चंपापुरी, ठीक है। तो ये प्लेसेस एसोसिएटेड है, तो यूपीएससी पूछ सकता है ये तीन चार प्लेसेस के नाम दे देगा, एंड देन पूछेगा व्हाट हाउ आर दीज प्लेसेस रिलेटेड, तो
ये याद रखना कि बुद्धा से वो रिलेटेड है, ठीक है। सो ये था इसके अंदर। सो विद दैट नेक्स्ट पे चलते हैं, जैनिज्म पे। किसी को चैट करना बुद्धिज्म में और, एक ठीक है, नेक्स्ट पे एग्जामिनर चलते का क्वेश्चन है, हैं। इन द एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अ सेरेमनी कॉल्ड पवारना यूज्ड टू बी हेल्ड, इट वाज व्हाट वाज इट, वो क्या था? तो ऑप्शंस है ओकेजन टू इलेक्ट द संघ परिनायकर और टू स्पीकर्स ऑन द धम्मा एंड द अदर ऑन विनया, द सेकंड ऑप्शन इज कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और दोनों बहुत बड़ा बड़ा है इसलिए दोनों में से एक बता दो, कौन दोनों में से होगा? आई गेस इसका शायद वो कन्फेशन हाँ कन्फेशन बोलते हैं ना इसको तो। राइट राइट, कन्फेशन बाय द राइट मॉन्क्स। राइट। तो ये देख लेना, परावाना जो था कन्फेशन था, ठीक है, जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्ग अगर कोई इनसे ऑफेंस हो गया तो रेनी सीजन के दौरान वो लोग उसको एडमिट कर देते कि हमसे गलती हो गया, ठीक है, एंड उसको फिर रिपेंट करने की कोशिश करते थे उस सेंस में, ठीक है। और देन नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज जैनिज्म। तो जैनिज्म का ऑल्दो एस्टैब्लिशमेंट जो है, जो फर्स्ट तीर्थंकर है, कोई बता सकता है नाम क्या था उनका? हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर? ऋषभनाथ, करेक्ट। तो वो ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, हाँ करेक्ट, ऋषभनाथ थे फर्स्ट तीर्थंकर। एंड ये प्रॉपरली फॉर्मलाइज, ये जो 24 तीर्थांकर थे लॉर्ड महावीरा, उनसे हुआ, ठीक है। सो उस सेंस में देखते हैं। सो महावीरा से ही वॉज बॉर्न इन 540 BC एट अ प्लेस कॉल्ड वैशाली, ठीक है। तो ये अगेन बिहार में ही था। एंड महावीरा और लॉर्ड गौतम बुद्धा जो थे वो दोनों कंटेम्प्रेरीज थे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ही जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क था जो कि जैनिज्म के अंदर दिया गया था, तो फर्स्ट था डू नॉट कमिट वायलेंस, नेक्स्ट डू नॉट स्पीक लाई, देन डू नॉट स्टील, एंड फोर्थ डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये महावीरा के आने से पहले ये जो चार जो इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजीज थे या जो रूल्स थे वो चल रहे थे, ठीक है। लेकिन बुद्धा के आने के बाद उसमें एक और पॉइंट ऐड हो गया, विच वॉज ऑब्जर्वेंस ऑफ ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बुद्धा ने आने के बाद उसके अंदर एडिशन किया था। सो वो चीज याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धा डाइड इन 468 BC एट राजगृह, ठीक है। तो ये प्लेसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस सेंस में, क्योंकि बुद्धा से रिलेटेड कई बार पूछ लेते हैं, तो हो सकता है कभी जैनिज्म से रिलेटेड पूछ ले। तो ही वॉज बॉर्न इन वैशाली एंड डाइड इन राजगृह, संजय यू ठीक है। कॉलिंग बुद्धा महावीर को? हाँ सॉरी, मतलब बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी एंड डाइड इन कुशीनगरा, और महावीरा वॉज बॉर्न इन वैशाली एंड डाइड इन राजगृह, ठीक है। तो सारा का सारा ऑलमोस्ट बिहार में ही था, ठीक है, इनका भी लाइफ जो था। सो आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, उसके बाद एक स्प्लिट आता है इन दिस रिलीजन। एंड वो स्प्लिट का एक कारण क्या रहता है कि एक फेमाइन आता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वहां पर कुछ जो फॉलोअर्स होते हैं दे शिफ्ट टू श्रावण बेंगोला इन द मॉडर्न डे कर्नाटका, ठीक है। तो श्रावण बेंगोला में वो शिफ्ट हो जाते हैं। एंड जो जैन सेंट होते हैं जिनके अंडर ये मूवमेंट होता है, ही इज नोन एज भद्रबाहु, ठीक है। तो भद्रबाहु के अंदर मूवमेंट होता है, साथ ही साथ उस टाइम के एक इम्पोर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं वो भी इनके साथ चले जाते हैं वहां पे। एंड देयर चंद्रगुप्त मौर्य इज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय भद्रबाहु टू एक्सेप्ट जैन रिलीजन, ठीक है। एंड वहां पे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं जैन रिलीजन, और एक सेरेमनी होती है या एक एक रिचुअल होता है विच इज कॉल्ड सलेखना, जिसमें वो क्या करते हैं कि अपने आप को ग्रेजुअली स्टार्व करते हैं सो एज टू एक फिनिश देयर लाइफ, ठीक है, एंड एंड करना होता है अपने लाइफ को, एंड उससे एक एक मोक्ष को अचीव करना होता है, ठीक है। सो वो परफॉर्म किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। श्रावण बेंगोला में आई गेस एक इम्पोर्टेंट वो भी है जैन
टेम्पल है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा मूर्ति भी है, कोई बता सकता है किसका है? श्रावण बेनगोला में महामस्तक महामस्तक। अभिषेकम होता है वहां पे, एंड बाहुबली है शायद। करेक्ट। तो ये बताना, ट्रू और फॉल्स बताना, कि बाहुबली इज द 19th तीर्थंकर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। राइट, तो फॉल्स है। तो कौन थे वो, क्या वो तीर्थंकर देखे कोई? नहीं, तीर्थंकर तो नहीं थे, बट करेक्ट, तीर्थंकर नहीं थे। तो कई बार इस टाइप से सवाल पूछ लेता है कि बट हाँ, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल था उसके अंदर, ठीक है, तो वो चीज याद रखना। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो द फर्स्ट, मतलब उनके डेथ के बाद फिर बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी। तो द फर्स्ट बुद्धिस्ट, सॉरी, फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन 299 BC एट अ प्लेस कॉल्ड पाटलिपुत्रा, ठीक है, तो ये देख लेना, पाटलिपुत्रा में हुई थी। एंड उस टाइम इट वॉज प्रेजाइडेड बाय स्थूलाभद्रा एंड पेट्रोनाइज बाय बिंदुसारा, ठीक है, तो ये याद रख लेना। कंफ्यूज नहीं होना, कई बार क्या होता है यहाँ पे बिंबिसार लिख देता है, ठीक है, तो बिंबिसार जो थे वो बहुत पहले थे, बिंदुसारा वॉज आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ऑलराइट, सो ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इसके सॉरी, ये जो जैन काउंसिल हुई थी, फर्स्ट जैन काउंसिल एट पाटलिपुत्रा, तो इसका आउटकम क्या निकला था? तो यहाँ पे 14 बुक्स जो थी वो निकली थी, जिनको हम बोलते हैं पूर्वाज, ठीक है, तो ये बुक्स निकली थी विच आर कंसिडर्ड एज होली बुक्स इन दिस रिलीजन। नेक्स्ट, फिर एक और बुद्धिस्ट काउंसिल, एक और जैन काउंसिल होती है, बट दिस वॉज हेल्ड इन 512 AD, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 700 ईयर्स और समथिंग, ठीक है, ये होती है काउंसिल, एंड दिस टाइम इट हैपेंस इन वलाबी इन गुजरात, ठीक है, एंड देन इट वॉज प्रिसाइडेड बाय देवाद्री केशमा शर्मा शर्मना, ठीक है, एंड पेट्रनाइज किसने किया था? तो उस टाइम के जो चालुक्य रूलर्स थे गुजरात के, उन्होंने इसको पेट्रनाइज किया था। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के अंदर दो डिविजन भी हो गए थे फिर, तो दिगंबर्स हो गए थे। दिगंबर मीनिंग स्काई क्लैड, मतलब दे वर नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ, उनके लिए जो आसमान है वही एक तरीके का क्लोथ होगा, ठीक है, एंड दे अडहर टू द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीरा, ठीक है, तो ये दिगंबर के बारे में था। नेक्स्ट है श्वेतांबर्स, तो श्वेतांबर्स वो लिबरल फॉलोअर्स एंड स्टार्टेड टू वेयर व्हाइट क्लोथ्स, ठीक है, सो उस सेंस में याद रखना, एक मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में ये है। और थोड़ा सा श्वेतांबर हम कह सकते हैं लिबरल था, लिबरल इन द सेंस के इसके अंदर वुमेन को भी अलाउड था टू बिकम मॉन्क्स, ठीक है, लेकिन ये चीज दिगंबर्स में अलाउड नहीं थी। दिगंबर्स में दे सेड के वुमेन कैन नॉट बी लिबरेटेड, ठीक है, उन्हें वापस नेक्स्ट किसी बर्थ के अंदर री इंकारनेशन करके फिर मेल के फॉर्म में बर्थ लेना पड़ेगा, तब वो जाकर एक्चुअली सेल्वेशन अचीव कर सकते हैं। सो इसी सेंस में जो 19 तीर्थंकर है उसको लेके भी डिस्प्यूट है, जैसे श्वेतांबर जो है वो कहते हैं कि वुमेन भी सेल्वेशन अचीव करती है, तो यहाँ पे जो 19 तीर्थंकर है उसको दे कंसिडर्ड एज मली, सो उसको वो फीमेल मानते हैं, एंड दिगंबर्स में दे कंसिडर्ड हिम एज मेल, तो मल्ली नाथ मानते हैं, ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन दीज टू, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ऑलराइट, तो आई गेस एक बार देख लेते हैं, और कुछ रह तो नहीं गया इसमें, किसी को कुछ और ऐड करना है जेनेस में? तो ये देख लेना, सिमिलैरिटी ये भी है कि जैनिज्म जस्ट लाइक बुद्धिज्म ऑल्सो रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदा, लेकिन दोनों में डिफरेंस हमने देखा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को लेके डिफरेंस है। बुद्धिज्म जो है सोल को नहीं मानता है, लेकिन जो जैनिज्म है वो सोल का एक इम्पॉर्टेंट वो मानता है, इम्पॉर्टेंस है कि हर ऑब्जेक्ट में, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उसमें एक आत्मा जरूर होती है, ठीक है, सो जो अल्टीमेटली जो ट्रांसमाइग्रेशन होता है वो आत्मा का होता है, लेकिन बुद्धिज्म में ट्रांसमाइग्रेशन का कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन इट इज विद रिस्पेक्ट टू कर्मा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको फिर वापस इस सेल्वे, मतलब इसे जो लाइफ और डेथ का साइकिल है इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं तो फिर आपको वो लाइफ एंड डेथ के जो सर्कल है उसमें वापस घूमना पड़ेगा, ठीक है। सो कुछ साइट्स देख लो जिनसे रिलेटेड है, मेजर जैन पिलग्रिमेज साइट, सो इट इंक्लूड्स दिलवाड़ा टेम्पल इन माउंट आबू राजस्थान, नेक्स्ट पलीतना टेम्पल्स इन गुजरात, फिर गिरनार इन गुजरात, नेक्स्ट शिखरजी इन झारखंड, फिर
एंड श्रावण बेंगोला इन कर्नाटका, ठीक है। तो ये प्लेसेस याद रखना, इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है जैनिज्म से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे ये तीर्थंकर देव हैं, तो सबको याद रखना, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये रखना। ऋषभनाथ जी और आदिनाथ, तो ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। 24th वॉज महावीरा, 23rd पार्श्वनाथ, एंड 22nd वॉज नेमी, ठीक है। और ये 19 जो हम मल्ली की बात कर रहे थे, तो मल्ली और मल्लीनाथ पे वो कंफ्यूजन है, ठीक है। सो ये चीज देख लेना, ठीक है। बाकी एसेट्स तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, कई एक आई गेस यूपीएससी ने शायद इस पे भी क्वेश्चन पूछा है, अनेकवादा, व्हाट इट इज रिलेटेड टू। तो ये एक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है जैनिज्म का, जिसमें बोला गया है कि अल्टीमेट ट्रूथ या रियलिटी होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज आप सच मान रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वही सच हो, उसके मल्टीपल और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कि हो सकता है कि जो आप सच मान रहे हो किसी के लिए वो झूठ हो, ठीक है। हेंस देयर एग्जिस्ट नॉन एब्सोल्यूटिज्म, मतलब कोई ऐसा एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है इसके अंदर। तो यही था अनेकांतवाद, ठीक है। हाँ, तो ये हमने वर्ड्स देख ही लिए, जो 5 टीचिंग्स थी जैनिज्म की, जो ब्रह्मचर्य था वो जो महावीर थे उन्होंने ऐड कर दिया करा था। बाकी वर्ड्स देख लेना, पहले हमने सिर्फ सिंपल इंग्लिश मीनिंग देखे थे, बट ये वर्ड है ना, अहिंसा मीनिंग नॉन वायलेंस, सत्या मीन्स ट्रुथफुलनेस, अस्थया मीन्स नॉट स्टीलिंग, अपरिग्रह मतलब कोई प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी है, ठीक है। सो ये था, बाकी कुछ सिंबल्स हैं तो आई डोंट थिंक इतना रिलेटेड है। ठीक है। हाँ, ये देख लेना, जो दिगंबर हमने पढ़ा था, तो उसके में जो मेन एक्सपोनेंट थे वो बज्रबाहु थे। तो बज्रबाहु ना, वो जो सेंट थे जो कि लेके चले गए थे उन्हें सदर्न इंडिया की तरफ, कर्नाटका की तरफ, ठीक है। तो इसको ऐसा याद रख लेना कि बज्रबाहु, क्योंकि वो कर्नाटका की तरफ गए थे, कर्नाटका का थोड़ा टेम्परेचर क्लाइमेट फेवरेबल होता है, तो वहां पे मतलब इतनी सर्दी वगैरह नहीं लगती, तो बिना कपड़ों के भी काम चल सकता है। मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा याद कर सकते हो, ठीक है। और श्वेतांबर्स में, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, एंड नॉर्थ इंडिया के अंदर कोल्ड जो होता है वो काफी होता है, तो वहां पे कपड़ों की जरूरत होती है, तो ऐसा करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सिर्फ लर्निंग के लिए, ऐसा कुछ वो नहीं था कि ऐसा ही हुआ था लॉजिक, ठीक है। सो ये था। और फिर सब सेक्स हो गए थे, तो कई बार ये सब सेक्स के बारे में भी पूछ लेता, तो देख लेना। दिगंबर के अंदर मूला संघ, ओरिजिनल जो कम्युनिटी थी, जो ओरिजिनल वैल्यूज थी दिगंबर स्कूल की, वो फॉलो कर रही थी। और नेक्स्ट थी बिसपंथी, तेरापंथी एंड तारणपंथी। तो ये मॉडर्न कम्युनिटीज हैं जो कि दिगंबर स्कूल में से निकली हैं, ठीक है। फर्दर इतना डिस्टिंक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर श्वेतांबर्स हैं, तो श्वेतांबर्स के अंदर 3 सब स्कूल थे, स्थाना कविसी, ठीक, एक सेकेंड, सॉरी, स्थाना कवासी, नेक्स्ट वॉज मूर्ति पूजका या देवरवासी, और लास्ट था थेरापंथी, ठीक है। तो थेरापंथी यहाँ पर भी है, और यहाँ पे हम थेरापंथी यहाँ पर भी देखते हैं, ठीक है। सो कंफ्यूज में तो ना दोनों में ही है। राइट, सो इतना ही था इसके बारे में। सो सलेखना हमने देख ही लिया था कि वो रिचुअल फास्टिंग करते हैं सो एज टू एंड देयर लाइफ, ठीक है, वो सलेखना था। और एक और ट्रेडिशन होता है प्रतिक्रमणा, प्रतिक्रमणा मतलब वो कुछ डेज होते हैं जहां पर वो अपने जो पाप किए हैं उनको रिपेंट करते हैं, ठीक है। तो वो प्रतिक्रमण होता है, ठीक है। सो ये चीज था। ऑलराइट, किसी को कुछ ऐड करना है अभी तक जो पढ़ा जैनिज्म के बारे में इसमें? हाँ, ये एक स्टेटमेंट होता है कि महावीर मतलब विच ऑफ द तीर्थांकर्स इज मेंशनड इन ऋग्वेद। तो महावीर है ना? नहीं, महावीर नहीं है वो, जो महावीर ना काफी लेट आए थे, वैदिक टाइम्स में बन गया था ना ऋग्वेद, तो उस जो ऋग्वेद है उसमें अरे ऋषभनाथ मेंशनड है। हाँ, हाँ और ऋषभनाथ जो है वो वायु पुराण, भगवत पुराण, इन सब में भी मेंशन है। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज हिंदुइज्म, ठीक है। ऑल्दो जब ये रिलीजन की बात करते हैं, तो हिंदू वर्ड एज सच नहीं यूज हुआ था, इट्स प्रॉब्ली रिलेटेड टू सम ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट, क्योंकि शायद मुस्लिम थे ना, तो वो
जो यहाँ सिविलाइजेशन रह रही थी बियॉन्ड इंडस, तो इंडस को सिंधु नदी बोलते थे, तो प्रॉब्ली वो सिंधु को एस नहीं बोल पाते थे और वो इंदू इंदू होते हुए ये हिंदुइज्म बन गया, ठीक है। ऑल्दो अभी जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो सनातन धर्मा करते हैं, ठीक है, ब्रॉडली जो हिंदुइज्म की बात जब हम करते हैं, ठीक है। सो इसमें चार ब्रॉड गोल्स रहते हैं हिंदुइज्म में, धर्मा, अर्था, कामा, मोक्ष। धर्मा का मतलब अपना लॉ ऑफ बीइंग, यानी आप अपनी जो ड्यूटीज है उसको प्रॉपरली फॉलो करें, ठीक है। तो उसके लिए वो वर्ण आश्रम था जिसके अंदर जो जो चीजें बोली गई थी उनको प्रॉपरली फॉलो करना था, ठीक है, वो चीज था। नेक्स्ट था अर्था, मीनिंग टू एक्वायर मटीरियल रिसोर्सेस विच वॉज नेसेसरी फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, जो भी चीज आपको जरूरी है जीवन जीने के लिए वो आप एक्वायर करो, तो मटेरियल वेलबींग। नेक्स्ट कामा मतलब प्लेजर, ठीक है, तो प्लेजर सीख करने के लिए आप कर सकते हो वो करो। एंड फोर्थ था मोक्ष, ठीक है, मोक्ष मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए लाइफ का, तो वो ये मोक्ष था, ठीक है। सो इसके अंदर डिफरेंट सब स्कूल थे वो ओरिजिनेट हुए, ठीक है, हिंदुइज्म के अंदर। तो सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो फर्स्ट देखते हैं, तो फर्स्ट वो समाख्या, तो इसको फाउंड किसने किया था, कपिला मुनि ने किया था, एंड इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। सो इसमें समाख्या में फोकस क्या था कि किसी गॉड वगैरह की पूजा पे नहीं था, बट फोकस वॉज ऑन सेल्वेशन अचीव थ्रू रियल नॉलेज, कि आप जो असल में नॉलेज है उसको एक्वायर करो एंड फिर सेल्वेशन अचीव करो। सो द रियल नॉलेज इज दैट सोल एंड मैटर आर सेपरेट। तो यहाँ पे ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया था, मतलब द्वैता का कॉन्सेप्ट दिया गया था, यानी पुरुष और प्रकृति, ठीक है। जो प्रकृति होता है उसका मतलब होता है सोल, एंड पुरुष का मीनिंग होता है जो नेचर है, ठीक है। तो ये दोनों सेपरेट बींग है, ठीक है। सो सॉरी, आई थिंक पुरुष स्पिरिट है और प्रकृति जो है वो नेचर है, ठीक है। करेक्ट तो ये चीज याद रखना है, ये सेपरेट है, अलग अलग है इसके अंदर, समाख्या के अंदर। और सेल्वेशन जो अचीव हुआ वो रियल नॉलेज से होगा, तो ये आइडिया था समाख्या का। एंड समाख्या से ही फिर बाकी स्कूल्स भी डिराइव होते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखो न्याया, तो न्याया मतलब जस्टिस समझ लो। जस्टिस जस्टिस कैसे मिलता है, एविडेंस के बेसिस पे मिलता है, फैक्ट्स के बेसिस पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्याया के अंदर जो सेल्वेशन है वो लॉजिक के थ्रू अचीव होगा, ठीक है। सो न्याया रिलाइज ऑन सेवरल प्रमाण, प्रमाण का मतलब एविडेंसेस। तो एविडेंसेस क्या हो सकते हैं, तो इसमें सबसे सुप्रीम एविडेंस होता प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब जो दिख रहा है, जिसको आप महसूस कर सकते हो अपने सेंसरी ऑर्गन से, कि सुन सकते हो, देख सकते हो या फील कर सकते हो, तो वो चीज प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसमें हाईएस्ट प्रमाण होता है, ठीक है। एंड इसके फाउंडर कौन है, गौतम इसके फाउंडर है। तो याद रखना, न्याय के फाउंडर गौतम। सेल्वेशन इज अचीव थ्रू लॉजिक या एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट विशेषिका, तो विशेषिका के जो फाउंडर थे वो कनाडा थे, एंड इसमें ये चीज बोला गया था कि जो बेसिक यूनिट है लाइफ की, दैट इज एटम या परमाणु हिंदी में जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक एटम जो है या बेसिक यूनिट है इस यूनिवर्स की, दैट इज एटम ओनली, ठीक है। एंड एटम्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोल। तो यहाँ पे भी वही चीज बोला गया था कि प्रकृति डिफरेंट है और पुरुष डिफरेंट है, ठीक है। तो एटम डिफरेंट रहेगा और सोल डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये भी एनालिटिकल रीजनिंग पे ही फोकस कर रहा था। नेक्स्ट चलते हैं योगा, तो फाउंडर पतंजलि थे इसके, एंड इसमें सेल्वेशन अचीव कराया जाएगा थ्रू मेडिटेशन, यानी पुरुष और प्रकृति को हम रियलाइज कर सकते हैं बाय फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन। और वो योगा का कॉन्सेप्ट था कि कैसे आप जैसा योगा हम करते हैं, तो उसमें हम प्राणायाम करते हैं या फिर फिजिकल कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके थ्रू हम सेल्वेशन अचीव करें, ये आइडिया था योगा का। नेक्स्ट मीमांसा, तो मीमांसा के फाउंडर जो थे वो जामिनी थे, तो इसमें रिचुअल्स के थ्रू बात की गई थी कि हम लोग अचीव कर सकते हैं सेल्वेशन। एंड नेक्स्ट वॉज वेदांता या उत्तर मीमांसा, तो इसके फाउंडर जो थे वो भद्रयाना थे, एंड इसमें जो नॉन ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो दिया गया था, मतलब सब कुछ एक ही है, मतलब हम जो है वी आर पार्ट ऑफ ग्रेटर स्पिरिट जिसको ब्रह्मा बोलते हैं, तो उन्हीं का हम लोग पार्ट है और हमारी लाइफ के बाद हम लोग उनसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था वेदांता के बारे में या उत्तर मीमांसा के बारे में, एंड ये कॉन्सेप्ट प्रीच करा था अद्वैता का, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। ऑलराइट, थोड़ा देख लेते हैं और कुछ रह गया है तो, किसी को कुछ और ऐड करना है अभी तक हिंदुइज्म में?
जी, यस। कुछ नहीं ऐड करना है। अच्छा हाँ, तो ये इसमें ना ब्रह्मो समाज वगैरह लिखा हुआ है, तो ब्रह्मो समाज हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रह्मो एंड आर्य समाज, उसको यहाँ नहीं कवर करेंगे। बात ऑल करते राइट, तो क्या? हैं आलवार्स का कंपाइलेशन क्या है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, प्रबंध दास राइट। आलवार्स का। कल हमने नायनार्स का एक और वी हैव सीन, व्हाट इज दैट, तिरुमुरई। डज एनीबडी। करेक्ट करेक्ट। तो याद रखना, जो भक्ति जो ट्रेडिशन इंक्रीज हो रहा था इन इंडिया, तो उसमें फिर दो ब्रॉड सेक्ट्स में बट गया था। वैष्णवाइट यानी दोज प्रीचिंग विष्णु एंड हिज इनकारनेशन, एंड अदर वर्स नयनार्स जो कि प्रीच कर रहे थे शिवा को, ठीक है, एंड हिज इनकारनेशंस। तो नयनार्स में काफी सारे सेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको याद रहे, ऐसे रख लेना, क्योंकि शिव जी के पास एक एक्स्ट्रा नयन था, नयन मीनिंग आई था, तो इसलिए नयनार्स वर रिलेटेड टू शिव जी एंड अलवार्स वर रिलेटेड टू विष्णु, क्योंकि अलवार में वो वी आ रहा, तो ऐसा विष्णु करके याद रख लेना, ठीक है। सो दैट वॉज इट। नेक्स्ट पे चलते हैं सिखिज्म से। तो सिखिज्म जो है, ये दिस रिलीजन वॉज प्रीच्ड या स्टार्टेड बाय गुरु नानक, तो उन्होंने ऐसे एज अ रिलीजन ही स्टार्ट किया था, उन्होंने तो एज अ मॉरल टीचिंग के तरह स्टार्ट किया था, बट धीरे धीरे फॉर्मलाइज होके ये एक मोनोस्टिक मोनोथिस्टिक जो रिलीजन है वो बन गया था, ठीक है। मोनोथिस्टिक मतलब यहाँ पे एक ही गॉड है, ठीक है, लाइक हिंदुइज्म में हमारे पास मल्टीपल पॉलिथिज्म है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो गुरु नानक वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट गुरु ऑफ दिस रिलीजन एंड ही वॉज फॉलोड बाई 9 अदर स्पिरिचुअल गुरुज, ठीक है। तो सब स्पिरिचुअल गुरुज का कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो वो देख लेते हैं। गुरु नानक तो काफी इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे इनसे रिलेटेड वो पाकिस्तान में हमने स्टार्ट किया था ना, किसी को नाम याद है वो पिलग्रिमेज साइट का? करतारपुर, हाँ करेक्ट, करतारपुर साहिब है। और कौन से रिवर पे लोकेटेड था करतारपुर साहिब? याद रखना, रावी रिवर पे लोकेटेड था, ठीक है, उस पर वो ब्रिज बनाया गया था, फिर कनेक्ट किया गया था दोनों को। तो करतारपुर साहिब इज कनेक्टेड टू इंडिया में जो डेरा बाबा साहिब है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। सो एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, ट्रू और फॉल्स बताना। सो करतारपुर साहिब इज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि ओके, उनका बर्थ प्लेस जो था वो तलवंडी था, विच इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, लेकिन करतारपुर साहिब में ही स्पेंड मैक्सिमम ऑफ हिज लाइफ देयर, मतलब लास्ट की जो उनकी लाइफ थी वो वहीं पे टीचिंग करते हुए गुजरी थी, ठीक है, इसलिए करतारपुर साहिब का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं गुरुज के बारे में। तो नानक वो सक्सीडेड बाय गुरु अंगद, हु इन्वेंटेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे डिफरेंट गुरुज के, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो गुरु अंगद ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी, जो बाद में आदि ग्रंथ को लिखने में काम आई थी। तो कल हमने डिस्कस भी कर रहे थे कि आदि ग्रंथ जो है वो सिखिज्म से रिलेटेड है, तो एक आदि पुराण है, वो किसने लिखा था? आदि पुराण? जिन ऋषभ नाथ नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो ऋषभ देव जी का नाम आदि नाथ था, लेकिन उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि इतने पुराने टाइम में राइटिंग तो थी नहीं, तो कोई ग्रंथ कैसे लिख सकता है, मतलब जस्ट फॉर लॉजिक सेंस, ठीक है। राइट। और आदि आदि पुराण हमने कल डिस्कस किया था, तो आदि पुराण जो है वो पंपा ने लिखा था, जो कन्नड़ा वो कवि थे ना जैनिज्म के, ठीक है, करेक्ट आदि करेक्ट। पुराण है तो, और ये आदि ग्रंथ है, सो तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो देख लेना एक बार, मैं लिख ही देता हूँ। लिखा था सर वो, एक जो कन्नड़ वाला था वो तो उसने लिखा था, जो आपने बताया पंपा, और पंपा, पंपा जिनसेन पंपा ने भी लिखा था संस्कृत वाला आदि पुराण, ये पीवाई हाँ की मतलब भी। ना, हाँ मतलब इस पे कंफ्यूजन है, मैंने कई जगह चेक किया, तो वो ना जिनसेना और जो पंपा है उन दोनों का नाम आता है, लेकिन कुछ डिस्टिंक्शन है, मतलब ऐसा था कि शायद आधा एक ने लिखा था आधा एक ने लिखा था, ऐसा कुछ वो डिस्टिंक्शन है, तो थोड़ा सा उस पे केयरफुल होके देख लेना, या किसी को कुछ और मिले तो बता देना मेरे को, ठीक है। तो आदिनाथ ऋषभ देव जी से रिलेटेड है, आदि पुराण
इज रिलेटेड टू पंपा एंड कभी कभी जिना सेना भी बोलते हैं, मतलब जिना सेना का भी इसमें कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। और फिर एक आदि ग्रंथ की बात होगी, तो ये सिखिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। अभी देखते हैं किसने लिखा था आदि ग्रंथ, ठीक है। तो ये इन्होंने कन्नड़ा में लिखा था, ठीक है, और इन्होंने शायद ये संस्कृत में लिखा, शायद ये डिस्टिंक्शन है। तो एक बार कोई कंफर्म करके बता देना, बाकी ये कंफ्यूज नहीं होना। आदि पुराण आता है तो पंपा का भी नाम आता है और जिन सिन्हा का भी नाम आता है, ठीक है। तो ये चीज है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने देखा जो गुरु में कोई स्क्रिप्ट थे, वो जो सेकंड गुरु थे गुरु अंगद, उन्होंने वो एस्टेब्लिश करी थी। नेक्स्ट गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास साहेब आए थे, एंड ही वॉज इन टर्न फॉलोड बाय गुरु रामदास, ठीक है। गुरु रामदास के बाद नेक्स्ट गुरु जो आए थे वो गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। अर्जुन देव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टुवर्ड सिख रिलीजन एंड उन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था, ठीक है। और उसमें स्क्रिप्ट गुरुमुखी यूज की गई थी, ठीक है। ही वॉज फॉलोड बाई गुरु हरगोविंद, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिट्री ब्रदरहुड, खालसा, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली खालसा नहीं, बट एक मिलिट्री ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट आ गया था, बट वो एक इनफॉर्मल सेंस में था, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं तैयार हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना, गुरु हरगोविंद के बाद एक मिलिट्री क्लास के तौर पर जरूर तैयार हो गए थे सिखिज्म के अंदर। नेक्स्ट ही वॉज फॉलोड। एक्चुअली क्या हुआ ना, गुरु अर्जन देव वाज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर, तो वहां से करेक्ट। ये मिलिट्री क्लास शुरू होती है। गुरु हरगोविंद सिंह हैज स्टार्टेड इट, एंड गुरु तेज बहादुर आल्सो मतलब फॉर्मलाइज्ड इट कि हाँ मिलिट्री ये भी होना चाहिए करके। करेक्ट। तो ये जो रिलीजन था इनका उस टाइम मुगल्स का, और उनके जो टेरिटोरियल डोमेन थे वो, तो उसमें कहीं कंफ्लिक्ट आ रहा था। सो उस सेंस में टेंशन्स बढ़ गए थे। एंड जैसा भाई दीप्ति ने बताया कि गुरु अर्जुन देव वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर, तो उसके बाद फिर चालू होना शुरू हो गया एक तरीके से मिलिट्राइजेशन ऑफ विद इन सिख रिलीजन, ठीक है। तो फिर गुरु हर राय और फिर गुरु हरि कृष्ण आए। उसके बाद नाइन स्पिरिचुअल गुरु गुरु टेग बहादुर आए, वॉज असेसिनेटेड बाय मतलब ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब, ठीक है। और उसके बाद 10th जो स्पिरिचुअल गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जिन्होंने फॉर्मली जो क्या बोलते हैं खालसा है उसको एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। इन्होंने 5K का भी कॉन्सेप्ट दिया था। कोई बता सकता है 5K क्या है, रिलेटेड टू खाल्स सॉरी खालसा रिलीजन? केशव केशव किरपन किरपन कड़ा कड़ा कृपान कड़ा कड़ा एंड आई गेस कच्चा था एक, हाँ और शायद कंगी था, ठीक है। राइट राइट तो ये 5 केस थे कि ये अपने पास रखने ही है। कृपान डिफेंस वगैरह के लिए, मतलब समझ ही सकते हो कि इसमें बाल वाल काटना अलाउड नहीं था, ठीक है। सो इस सेंस में वी कैन रिमेम्बर दैट, ठीक है। एंड गुरु गोविंद के सिंह के एंड मतलब उनके डिमाइस के बाद ऐसा चीज जो ट्रेडिशन था गुरु का ये खत्म कर दिया गया था। एंड उनकी जगह हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस जो था वो बुक को दे दिया गया था कि अब जो ये गुरु ग्रंथ साहिब है वो रहेगी, ठीक है। तो पहले गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता था, उसको गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु गोविंद सिंह के थ्रू जाना जाने लगा, ठीक है। सो वो चीज इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ और डिटेल्स भी थी इसमें, जैसे अकाल तख्त के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन था इसके अंदर, तो एक बार इसमें चेक कर लेता। तो किसी को कुछ और ऐड करना तो कर सकता है। ठीक है, हाँ ये देख लेना, गुरु गोविंद सिंह गुरु हरगोविंद ने ही कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त, ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट वो माना जाता है कि ये एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस उसका सिग्निफिकेंस है अकाल तख्त का, ठीक है। तो ये जो गुरु गोल्डन टेम्पल है इसके अंदर ये लोकेटेड है, ठीक है। तो अकाल तख्त उसके अंदर लोकेटेड है। और गुरु गोविंद सिंह सॉरी ये गोल्डन टेम्पल है, इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? कोई और नाम बता सकता है इसका? हरमंदिर साहब
हाँ करेक्ट, तो हरमिंदर साहिब बोलते हैं, तो ये चीज याद रखना। सो नेक्स्ट, बाप्टिज्म या पाहुल का जो सिस्टम होता है जिसके थ्रू लोग जो सिख रिलीजन का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑनरिफिक टाइटल लेना पड़ता है सिंह, और मेल्स के लिए सिंह रहता है एंड फीमेल्स के लिए कौर रहता है, ठीक है। एंड जो होली प्लेसेस है सिख्स की, दैट इज गुरुद्वारा, तो ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एक्ट जो है, जो कि 1925 में आया था, क्योंकि उस टाइम जो अकाली दल एस्टैब्लिश हुआ था, तो अकाली दल एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्टार्ट हुआ था, जो चाहता था कि ये जो करप्शन जो है गुरुद्वारा उसमें प्रेवलेंट है, ठीक है, उसको रोका जाए। तो उसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स ने फिर एक्सेप्ट किया था उनकी बात, एंड ये एसजीपीसी जो है ये एक्ट लाया गया था, एंड उसके थ्रू ये एसजीपीसी जो है वो रेगुलेट करती है जितने भी गुरुद्वारा हैं इंडिया के अंदर उनको, ठीक है। सो चार तख्त है इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए। तो अकाल तख्त सबसे पहला, जो कि सबसे मेन है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के अंदर। नेक्स्ट, केशगढ़ साहिब इन आनंदगंज पंजाब, देन तख्त इन पटना साहिब इन पटना, नेक्स्ट तख्ता हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये चार तख्त है, पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ है, अमृतसर में है, दूसरा आनंदगंज पंजाब में है, तीसरा पटना के अंदर, एंड चौथा नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। किसी को कुछ और ऐड करना है सिखिज्म से रिलेटेड? सॉरी रामदास है ना? क्या? गुरु रामदास वाज नोन टू हैव फाउंडेड अमृतसर सिटी. ठीक है, ऑलराइट, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज इस्लाम। तो इस्लाम जो था प्रॉफिट मोहम्मद से शुरू हुआ था 1622 के अंदर। इस्लाम मतलब एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग सबमिशन टू वन गॉड। तो ये भी मोनोथिज्म में ही बिलीव करता है, एंड कोई मूर्ति पूजन इसके अंदर नहीं होता, नो आइडल वर्शिप इज देयर, ठीक है। तो इट इज कंसिडर्ड के जो होली वर्ड से गॉड ने वो प्रॉफिट मोहम्मद को दिए थे थ्रू एंजल जिब्रेल, ठीक है। एंड ये जो होली वर्ड है ये सब कुरान के अंदर है, मतलब जो मैसेज दिया गया था बाय गॉड टू प्रॉफिट मोहम्मद वो कुरान के अंदर एस्टैब्लिश है, एंड इट बिकेम द सेक्रेट टेक्स्ट या होली बुक ऑफ इस्लाम, ठीक है। एंड इसके बाद इस्लाम जो है आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इट डिवाइडेड इन टू टू सेक्ट्स, शिया एंड सुन्नी, ठीक है। तो कोई डिफरेंस बता सकते हैं इन दोनों में क्या था? शियाज मतलब बेसिकली इनमें डिफरेंस इसमें आ गया है हु शुड बी द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, समबडी रिलेटेड टू हिम और सम क्लोज फॉलोअर टू हिम. तो ये ब्लड रिलेशन का ये होना चाहिए करके, तो शियाज थॉट दैट द ब्लड रिलेशन ऑफ प्रॉफिट शुड बी द सक्सेसर. सुनी थॉट दैट क्लोजेस्ट फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद शुड बी द सक्सेसर. हाँ राइट, तो सुन्नी में ये था कि जो उनके फॉलोअर्स थे उनमें से एक को फॉलो कर रहे थे, शिया के अंदर उनका कोई जो फ्लैश एंड ब्लड का कोई है बच्चों सन इन लॉ, तो उसको फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो अली इसमें थे और सुन्नी में अबू बकर थे, ठीक है, तो उनको फॉलो किया था, एंड वहीं से डिस्टिंक्शन शुरू हो गया था दोनों के बीच में, तो ठीक है। इंडिया में एंड कौन सा सेक्ट ज्यादा है, सुन्नीज और शियाज? सुन्नी सुन्नी सुन्नीज करेक्ट. सुन्नीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो सुन्नीज ही डोमिनेट करते हैं। शिया डोमिनेटेड कंट्री है लाइक ईरान हो गया, ठीक है, ईरान एंड प्रॉब्ली सीरिया भी है, ठीक है, तो वो कंट्रीज है, बाकी सब में मोस्टली सुन्नीज डोमिनेट कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वॉज क्रिश्चियनिटी। तो ये स्टैब्लिश हुआ था जीसस क्राइस्ट से, एंड बिकेम द स्टेट रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर इन द 4th सेंचुरी AD, ठीक है। तो इसमें जीसस जो थे वो गॉड का मैसेज जो थे वो स्प्रेड कर रहे थे, एंड ही वाज आल्सो नोन एज मसीहा, ठीक है। तो इसके अंदर थ्री इम्पोर्टेंट वो रहते हैं एंटिटीज, फादर सन एंड द होली स्पिरिट, ठीक है। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं बैप्टिज्म और होली कम्युनिज्म। तो बैप्टिज्म क्या होता है, कई बार कोई मूवी वगैरह में देखा होगा कि बैप्टिज्म करे तो वो क्या करते हैं होली वाटर के अंदर उसको चर्च के अंदर डिप कराते हैं किसी को, तो बैप्टाइज बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि
जो क्रिश्चियन नॉर्मल जो क्रिश्चियन बॉर्न लोग थे उनको मेन लाइन जो रिलीजन है उसको फॉलो करना है, ठीक है, एक प्योर क्रिश्चियन बन जाएंगे अब आप, ठीक है, सो सेंस में बाप्टाइज होते थे। नेक्स्ट होली कम्युनिकेशन, मतलब जो क्रिश्चियन फेथ के लोग हैं वो एक साथ मिलकर शेयर करेंगे ब्रेड और वाइन एक्सेट्रा, ठीक है, ताकि वो यूनिटी रह सके और जीसस को याद कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो होली बुक है बाइबल, वो डिवाइडेड है टू इम्पोर्टेंट पार्ट में, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट जो है ज्यूइश टेक्स्ट है और न्यू टेस्टामेंट जो है बाद में जो क्रिश्चियन फेथ के फॉलोअर्स है उन्होंने लिखा है, ठीक है। सो ये दोनों मिलके बाइबल्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड एक कॉमन चीज इसमें ये है कि जो रिलीजन है, ज्यूज हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, आपका इस्लाम हो गया, तो इन तीनों के अंदर अब्राहम का एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब्राहम को ये लोग मानते हैं कि ये उनसे एक इम्पोर्टेंट सक्सेसर थे, ठीक है। तो अब्राहम से ये तीनों रिलीजन निकलते हैं, ज्यूज हो गया, इस्लाम हो गया एंड क्रिश्चियनिटी हो गया, इसीलिए अब्राहम का एक इम्पोर्टेंस है। और इसीलिए अभी देख रहे होगे जब इसराइल एक तरीके से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है विद डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज, तो उनको एक अकॉर्ड का नाम दिया गया है विच इज अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। तो अब्राहम का अकॉर्ड नाम देने का मतलब यही है कि पुराना हमारा कोई लिंकेज है, ठीक है, तो ज्यूज के बीच में, इस्लाम के बीच में, तो अब्राहम का एक इम्पोर्टेंस लिंक है, ठीक है, इसलिए वो अब्राहम अकॉर्ड नाम दिया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, ज़ोरास्ट्रियनिज्म। तो ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो मॉडर्न डे पर्शिया है वहां पे ये काफी पॉपुलर था, ठीक है, रिलीजन। एंड इट वॉज एस्टेब्लिश बाय प्रॉफिट ज़ोरास्ट्र एंड इट वॉज बिलीव के दो फोर्सेज होती है वर्ल्ड के अंदर, गुड और इविल, ठीक है, एक अच्छा होगा एक बुरा होगा। द गॉड वॉज रिप्रेजेंटेड बाई अहुरा मजदा एंड द फोर्सेज ऑफ इविल वर रिप्रेजेंटेड बाई एंग्रा मेनुएन, ठीक है। तो इतना एग्जैक्टली ये याद रखने का इम्पोर्टेंस तो मेरे को नहीं पता, बट देख लेना अगर ये याद रह जाए तो। नेक्स्ट होली बुक जो है ज़ैंदावस्था है इसकी, ठीक है, एंड एक आइडिया इसमें ये रहता है कि वो ना दफन करते ना जलाते हैं, ठीक है, दे सिंपली पुट द डेड बॉडीज आउट इन ओपन एंड वहां पे फिर उसको जो वाइल्ड एनिमल्स है वो कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ जलाने वलाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लस इनके जो टेम्पल्स होते हैं उसके अंदर एक फायर गॉड की पूजा करते हैं ज़ोरास्ट्रियन, ठीक है। तो जब इस्लाम से इस्लाम का ऑनस्लॉट हो रहा था पर्शिया के अंदर, मतलब इस्लाम वहां पे आ रहा था, तो दे वर परसिक्यूटिंग ज़ोरास्ट्रियन, तो वो फिर वहां से भाग भाग कर यहाँ पे इंडिया में आ गए थे और इंडिया में अलग अलग, मतलब मोस्टली जो कोस्टल एरिया था गुजरात मुंबई वगैरह, वहां पे ये रिलीजन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया, ठीक है। सो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, जुदाइज्म। तो जुदाइज्म अभी हमने पढ़ा था, ज्यूस जो थे उनसे रिलेटेड था। तो इसमें जो ओरिजिनल गॉड का जो मैसेज था वो अब्राहम को मिला था, अब्राहम से फिर उनके सन आइजक को मिला था एंड आफ्टर हिज डेथ उनके जो बेटे जेकब को मिला था, ठीक है। सो जेकब इज ऑल्सो नोन एज इसराइल एंड फॉलोअर्स ऑफ जेकब आर नोन एज चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। तो इसीलिए वो इसराइल को एज अ होली प्लेस क्लेम कर रहे थे, मतलब जो ज्यूज जो थे वो क्लेम कर रहे थे इसराइल हमारा होली प्लेस है। इनिशियली जो एरिया था इसराइल का वो पैलेस्टाइन, मतलब अबाउट द पीरियड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर पीरियड, तो उसको पैलेस्टाइन बोला जाता था पूरी तरीके से एंड वहां पे मोस्टली अरब्स रह रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे फिर वहां पे ये जो ज्यूज है वो एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ एंड अपने आप में एक मूवमेंट बन गया, उस मूवमेंट का नाम था ज़ायनिज्म, ठीक है। तो याद रखना ज़ायनिज्म वर्ड आ रहा था, इट्स रिलेटेड विद के ज्यूज का एक होली लैंड है जो ज्यूज को ऑक्यूपाई करना है, ठीक है। तो उन्होंने फिर वो इसराइल बना लिया, तो वो इसका मैनिफेस्टेशन था। सिमिलरली इसके अगेंस्ट भी एक वर्ड यूज होता है जहाँ पे लोग ज्यूज को हेट करते हैं, तो वो वर्ड भी पता होना चाहिए। तो एंटी सेमेटिज्म अगर हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज्यूज से रिलेटेड हेट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी पॉपुलर हुआ था, जैसे कि हिटलर ने किया था एंटी सेमेटिज्म, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जो जेकब थे उनके जो चिल्ड्रन थे उनको चिल्ड्रन ऑफ इसराइल बोलते थे एंड इसके अंदर गॉड ऑफ ज्यूज गिव 10 कमांडमेंट्स टू अ पर्सन कॉल्ड मोसेस, ठीक है, विच वॉज प्रिस्क्राइब्ड एज अ कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाई ज्यूज इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ ज्यूज फेथ आर इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ जुदाइज्म विच इज नोन एज तोरा, ठीक है। तो ये चीज याद रखते हैं। ऑलराइट, किसी को कुछ और ऐड करना है अभी तक जो पढ़ा उसमें? संजय, ठीक है, तो फिर आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। विद दिस वी आर फिनिश्ड विद
रिलीजन इन इंडिया, ठीक है, कुछ बेसिक एस्पेक्ट जो है वो और किसी सेशन में कर लेंगे, वैसे तो वो आर्ट एंड कल्चर में और में कवर हो जाएंगे किसी और सेशन में, ठीक है। तो ब्रॉडली रिलीजन यहाँ कवर हो गया हमारा।